आप अगर देखें अतीउल्लाह व अतीउ रसूल या अतीउल्लाह वर रसूल, ये कुरान में तकरीबन 22 जगहों पर है, लेकिन ये आयत जो सूरह निसा की सूरह नंबर 4 आयत नंबर 59 जो हम देख रहे हैं, इसमें जो उलुल अम्र का जिक्र है, ये कुरान की एक इकलौती जगह है जहां पर अल्लाह ताला ने अतीउल्लाह व अतीउ रसूल के बाद उलुल अम्र का जिक्र किया है, ओनली वन प्लेस। पॉइंट क्या है? देखिए, जब तक बात अतीउल्लाह व अतीउ रसूल तक है कोई इख्तलाफ नहीं है। आपका रब कौन है? अल्लाह है। मेरा रब कौन है? अल्लाह है। ये भाई का रब कौन है? अल्लाह है। आपके रसूल कौन है? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। मेरे रसूल कौन है? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कोई इख्तलाफ है? कोई इख्तलाफ नहीं। लेकिन जब उलुल अम्र की बात आती है, उलमा की बात आती है, तो यहाँ पर इख्तलाफ आ जाता है। मिसाल के तौर पर एक भाई कहेंगे मैं तो अपने फला मौलाना की बात मानूंगा, दूसरे कहेंगे मैं तो उनकी बात मानूंगा, तीसरे कहेंगे मैं तो उनकी बात मानूंगा। इसी वजह से अल्लाह ताला जो अल अलीम है, सब कुछ जानने वाला है, अल खबीर है, हर चीज़ की खबर है, अल्लाह ताला ने इख्तलाफ के प्रॉब्लम का आंसर इस आयत में इसके आगे के हिस्से में दे दिया है। आगे के हिस्से में आता है फ़ैन तनाज़ातुम फ़ी शयइन, अगर आपस में तनाज़ा आ जाए, इख्तलाफ आ जाए। अब इख्तलाफात तो हम जानते हैं हम मुसलमानों में कितने सारे हैं। अगर आपस में इख्तलाफ आ जाए, अल्लाह ताला ने कहा फरुद्दुहु इलल्लाहि व रसूल, उस मामले को लौटाओ अल्लाह की तरफ और रसूल की तरफ। उस मैटर को क्या करो? अल्लाह की तरफ रिफर करो, अल्लाह की तरफ लौटाओ, यानी कुरान, अल्लाह की किताब। ऐसा नहीं है कि अल्लाह की तरफ जाना होगा जैसे कि मिराज करके या इंतकाल करके जाएंगे, नहीं। हम ये देखते हैं कि अल्लाह की तरफ लौटाओ यानी कि कुरान, और रसूल की तरफ लौटाओ यानी कि हदीस। तो कुरान और हदीस की तरफ लौटाओ। इन कुंतुम तुमिनूना बिल्लाह, अगर अल्लाह पे ईमान रखते हो और क़यामत के दिन पे ईमान रखते हो, तो ईमान वाले हो, अल्लाह पे ईमान है तुम्हारा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर क़यामत के दिन पे ईमान है तुम्हारा, तो कुरान और हदीस की तरफ इख्तलाफी मामलात को लौटाओ। इन कुंतुम तुमिनूना बिल्लाह वल यौमिल आखिर, ज़ालिका खैरुन, इसमें खैर होगा, वाह सनु तावीला, इसका सबसे अच्छा अंजाम होगा। अल्लाह ताला ने क्या कहा कि आपसी इख्तलाफात को लौटाओ अल्लाह की तरफ और रसूल की तरफ। इमाम इब्न कसीर रहिमहुल्लाह कहते हैं कि अल्लाह और उसके रसूल की तरफ, आई किताब अल्लाह व सुन्नती रसूलिल्लाह, अल्लाह की किताब की तरफ और अल्लाह के नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों की तरफ। पॉइंट नोट करिए कि अल्लाह ताला ने जब लौटाने कहा तो यहाँ पे ये नहीं कहा कि अल्लाह की तरफ लौटाओ, रसूल की तरफ लौटाओ और उलुल अम्र की तरफ लौटाओ, नहीं कहा। क्यों? क्योंकि इख्तलाफ होगा तो उलुल अम्र का ही इख्तलाफ होता है। जो स्कॉलर्स होते हैं उनका ही तो इख्तलाफ है कि एक स्कॉलर एक बात बोल रहे हैं, दूसरे स्कॉलर दूसरी बात बोल रहे हैं। अब हम क्या करें भाई? तो हम ये करें कि उस मैटर को रिफ़र करें अल्लाह की तरफ और रसूल की तरफ। अगर अल्लाह पर ईमान है तो, क़यामत के दिन पर ईमान है तो, ज़ालिका खैरुन, इसमें खैर है।